सो हे गाइस, वेलकम टू आउट फ्लिक। पता है बहुत दिनों बाद आया हूँ, पर आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक SSD का, जो कि है क्रूशियल BX500। प्राइस वगैरह कितना है वो हम ज़रूर बात करेंगे, बट थोड़ा इनमें पहले हम अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का है, लैपटॉप हार्ड डिस्क के साइज़ का ही होता है, इतना छोटा सा। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं फटाफट। हार्ड डिस्क के अंदर पर्ची वगैरह कुछ है, वैसे तो ये किसी काम का नहीं है तो हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, फेंक देते हैं। हमारा जो काम है वो है 240 GB का SSD, और इसे हम एक्सटर्नली टेस्ट करेंगे। इंटरनली अभी हम टेस्ट नहीं करेंगे, वो हम बाद में करेंगे किसी और वीडियो में। फ़िलहाल हम इसे एक्सटर्नल टेस्ट करेंगे इस चीज़ की मदद से। इसका भी रिव्यू मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आई बटन पर मिल जाएगा, तो ज़रूर चेकआउट करना। 2-in-1 USB 2.0, आप देख सकते हो सब कुछ आपके सामने है। इसके अंदर ऑलरेडी एक हार्ड डिस्क है, साटा हार्ड डिस्क है, जो कि PC में लगते हैं बड़े वाले। इसमें हमारा आराम से SSD भी लग जाएगा कुछ इस तरीके से। तो चलिए इसे अब हम टेस्ट करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप ये अमेजिंग कीबोर्ड एंड माउस के कॉम्बो का रिव्यू देखना चाहते हो, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा। तो हमने सेट कर लिया है SSD को एक्सटर्नली, तो आप देख सकते हैं। चलिए इसे ऑन कर लेते हैं, USB केबल को कनेक्ट करते हैं और इसे ऑन करते हैं। लाइट्स ऑन हो चुका है, मतलब हमारा डिस्क कनेक्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं PC की तरफ। अब आप देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में कोई भी एक्सटर्नल ड्राइव शो नहीं कर रहा, जो भी शो कर रहा है वो हमारे कंप्यूटर का है, क्योंकि ये एकदम ही नया हार्ड डिस्क है तो शो नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम जाएंगे डिस्क मैनेजमेंट पर, सॉरी मैं गलत जगह आ गया, एकदम ही नया हार्ड डिस्क है जिसकी वजह से ये शो नहीं कर रहा, तो हमें जाना होगा डिस्क मैनेजमेंट पर। और डिस्क मैनेजमेंट पर आप देख सकते हैं कि कुछ एरर टाइप आया है, जिसे हम ओके कर देंगे, GDP पर कर लेंगे, यानी कि GDP पर की चेक करके इसे ओके कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए दिखा रहा है नीचे अनलोकेटेड 223 GB, यानी कि 240 GB का जो SSD हार्ड डिस्क है वो ये रहा अनलोकेटेड। तो इस पर हम क्लिक करेंगे सिंपली और चलेंगे न्यू वॉल्यूम पर, ठीक है। वीडियो को प्लीज़ ध्यान से क्लिक देखिए और चीज़ों को सही तरीके से करिए, वरना आपका PC फॉर्मेट ना कर दे गलती से, ठीक है। तो ये अनलोकेटेड जो स्पेस है एक्स्ट्रा डिस्क जो दिखा रहा है, ऊपर देखिए डिस्क 0 डिस्क 1 करके दिखा रहा है, तो ये जो डिस्क 1 है ये हमारा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। तो इस SSD को हम न्यू वॉल्यूम करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं, फिर यहाँ पर जो भी साइज़ है उसी को रहने देंगे, कोई पार्टीशन नहीं करेंगे, और जो लेटर है वो से हम G ही रख देते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर न्यू वॉल्यूम है तो मैं वो ही देता हूँ, आप अपना नाम भी डाल सकते थे न्यू वॉल्यूम पर। तो हमारा हार्ड डिस्क अब लोकेटेड हो चुके हैं फॉर्मेटिंग होने के बाद। तो आ गया है 223 GB का एक SSD एकदम खाली। अब हम स्पीड टेस्ट करेंगे, ठीक है, और एक्सटर्नली हम स्पीड टेस्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका स्पीड ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं होगा, बट फिर भी मैं एक बार टेस्ट करना चाहता हूँ। तो हमने यहाँ पे एक 4 GB का फाइल लेने की कोशिश की है, ये देखिए 4 GB का फाइल है, विंडोज 7 का iOS फाइल है, बट 4.22 GB का है। तो इसे हम कॉपी करेंगे और देखेंगे कि कितना टाइम लगता है। वैसे मैंने स्टॉपवॉच पर कैलकुलेट करना भूल गया था, तो एक स्पीड देख लेंगे कि कितना स्पीड आ रहा है इसके थ्रू। तो देखते हैं, कॉपी करते हैं। और ये देखिए हमारे इंटरनल जो न्यू वॉल्यूम है वहाँ पे स्पीड दिखा रहा है 28 GB। जैसे कि मैंने कहा था, ये एक्सटर्नली कर रहा हूँ एक एडाप्टर की मदद से, तो स्पीड ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है, बट इसका स्पीड इससे भी ज़्यादा आएगा जब हम इसको अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करेंगे, वो भी मैं दिखाऊंगा, बट इस वीडियो में नहीं, किसी और वीडियो में। फ़िलहाल मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं वीडियो को शॉर्ट भी करूँगा। तो 28 MB दिखा रहा है, स्पीड को ध्यान रखना। तो हमने वीडियो की स्पीड पर 500 कर दिया है, तो लगभग लगभग 3 मिनट के अंदर ये कॉपी हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा, इंटरनल इसका स्पीड इससे भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं दूसरे एडाप्टर की तरफ, मेरे पास एक और एडाप्टर है, दिखाऊंगा।
तो यार 4 GB का, 4.22 GB का फाइल 3 मिनट में कॉपी भी हो गया। तो चलिए इसे आप एक बार फॉर्मेट कर देते हैं। मैं न्यू वॉल्यूम की जगह एक ओके लिख देता हूँ। तो देखिए फॉर्मेट हो गया बहुत इजीली। तो अब हम इसे दूसरे अडेप्टर पर टेस्ट करेंगे। इस अडेप्टर का रिव्यू भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, या शायद मैं अपलोड भी कर चुका हूँगा जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये कुछ इस तरीके से इंस्टॉल होता है। देखिए मैंने अपने SSD पर लगा दिया है। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलते रहें। एकदम ट्रूथ के साथ रिव्यू। खैर, हमने USB को प्लग कर दिया है, लाइट्स ऑन हो गया है, मतलब हमारा SSD जो है वो डिटेक्ट हो चुका है। अब हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो चलिए अब कॉपी करके देख लेते हैं एक बार इसका स्पीड कितना आता है इस छोटे वाले SSD रीडर का या एडाप्टर का। कितना स्पीड आता है वो मैं दिखा देता हूँ। इसके अलावा मैं और देखिए 30 MB स्पीड दे रहा है। इसका स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा है पिछले वाले के मुकाबले। तो जैसे कि मैंने कहा था, एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हैं इसलिए इसका स्पीड कुछ इस तरीके का है, वरना स्पीड इसका ज़्यादा होता है। तो इसने पूरा का पूरा कॉपी हम करके दिया है लगभग 2 से 2.5 मिनट के अंदर। तो आप बात करते हैं कि आपको ये लेना चाहिए। बिल्कुल ये आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि ये आपके कंप्यूटर का स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और SSD के अंदर अगर आप 240 GB का SSD ले रहे हो और 1 TB का हार्ड डिस्क, तो 240 GB के अंदर आपको OS इंस्टॉल करना होगा, तभी आपको एक्चुअल जो रिज़ल्ट है वो मिलेगा। वो कैसे करना है वो भी मैं किसी न किसी वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून। और अब हम बात करेंगे कुछ और भी SSDs के बारे में, ताकि आपका पैसे थोड़े से बचे। और सारे बाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने 2500 का लिया है, 2500 का, बट ये अभी ऑफ़र में आपको 2400 के अंदर मिल रहा है। तो बिल्कुल आपको लेना चाहिए। और इसका वारंटी है पूरे 3 साल। पर इसके अलावा भी एक और प्रोडक्ट है जो कि EVM का, ये 256 GB का देता है, 256, 240 नहीं, उससे ज़्यादा, और 5 साल की गारंटी, और उससे कम में आपको मिल जाएगा। क्या आपको ये लेना चाहिए? बिल्कुल, अगर आप पैसे बचाना चाहते हो। थोड़ा सा स्पीड इसमें कम मिलेगा, पर ये भी काफ़ी अच्छा हार्ड डिस्क है। मुझे ये लेना था बट क्योंकि मुझे रिव्यू भी बनाना था तो इसलिए मैंने क्रूशियल लिया। इसका भी रिव्यू बहुत जल्द आने वाला है। इन सब के बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, थोड़ा सा देख के अपने हिसाब से लेना। तो मैं मिलूँगा आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।